इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जब हम फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो होता क्या है, जब हम उस प्रोडक्ट को बाय तो करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी होती है उस डेट को भी डेट निकल जाती है लेकिन वो प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं होता, यानी कि प्रोडक्ट हमारे घर पर नहीं आता है और ना ही हमारे पास कोई कॉल वगैरह आती है। तो ये क्यों होता है और इसका क्या सोल्यूशन है, क्यों ये प्रॉब्लम हमारे साथ फेस करनी पड़ेगी, जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ही नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों जो होता क्या है, कभी कभी हम कोई ऑर्डर लगाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और उसको हम ऑर्डर तो लगा देते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट जब जिस डेट को हमारे घर आने वाला होता है, जिस डेट की डिलीवरी होती है, उस डेट को वो नहीं आता। तो बेसिकली प्रॉब्लम कब और क्यों आती, तो मैं इसके आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले जब हमने अपना एड्रेस फिलअप किया होता है तो कभी कभी अपना जो एड्रेस होता है वो गलत होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है, मतलब सभी लोगों के साथ नहीं होती है। पहला तो यही होता है कि जब हमने जो अपना एड्रेस है वो गलत दिया होगा। अगर आप एक बार एड्रेस चेक करिए और अगर आपका एड्रेस भी सही है तो जो दूसरी प्रॉब्लम है वो 90% लोगों के साथ होती है। आमतौर पर जब भी हमारा कोई फ्लिपकार्ट से सामान आता है तो जो डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी बॉय हमें कॉल करता है कि आपका जो सामान आ गया है एंड आप वो सामान रिसीव करने के लिए कहाँ पर आए, या फिर वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, आपने बाय वगैरह किया है कि नहीं। तो बेसिकली होता क्या है, जब वो डिलीवरी बॉय हमें कॉल करता है तब हमारा जो फ़ोन है वो ऑफ होता है या फिर हम नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर वगैरह हो सकते हैं, यानी कि हमारा कुछ टाइम के लिए उस टाइम फ़ोन बंद होता है। तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो ज़्यादा बार कोशिश नहीं करते या फिर ज़्यादा टाइम हमें कॉल नहीं करते हैं, सिर्फ एक या दो ही दफ़ा हमें कॉल करते हैं और दोनों दफ़ा अगर हम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए तो वो बाद में उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली बैक भेज देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो आपको अपने फ़ोन को एक्टिव रखना है, या फिर एक्टिव नहीं रख पाए तो एक बार आप देख सकते हैं आपके फ़ोन के ऊपर कौन से कॉल आए थे, अगर आपका फ़ोन बंद भी है एंड उसको आप फिर से एक बार रिटर्न कॉल कर सकते हैं। आपके पास मैसेज भी आता है, अगर आप कॉल नहीं ले पा रहे किसी वजह से तो आप उस मैसेज का भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही आती है कि जब हम उस व्यक्ति का कॉल नहीं उठाते जब जो हमें कॉल कर रहा है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमने सामान मंगवाया है, वो डिलीवर नहीं हो पाता। आई होप दोस्तों ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी एंड जो अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी अभी भी सॉल्व नहीं हो रही, यानी कि आपने सब कुछ सही किया है, तो आप कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने कस्टमर केयर से बात करने का आपको तरीका भी बता दिया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।